नमस्कार, जे जे एन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आज अयोध्या के विकास को लेकर हुई बैठक में पीएम ने कहा, अयोध्या में आध्यात्मिक और मानव दोनों प्रवृत्तियां हैं। इस शहर को ऐसा होना चाहिए जो कि भविष्य के बुनियादी ढांचे से मेल खाए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में एक बार अयोध्या जरूर जाना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से WHO ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली वो लोग भी सावधानी बरतें। नौसेना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर लेह लद्दाख जा रहे हैं। इस दौरान वे चीन से सटी LAC पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे, BRO की सड़क और ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सीरम ने कोविशील्ड के बाद अब कोरोना की एक और वैक्सीन कोवोवैक्स का निर्माण शुरू किया। सितंबर तक आएगी, ट्रायल अंतिम दौर में। पीएम मोदी संग बैठक के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की उम्मीद करना बेवकूफी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर कोरोना महामारी का साया मंडरा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के यात्रा शुरू किए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई है। कोर्ट का कहना है कि या तो सरकार अपने फैसले को वापस ले या फिर यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दे। वेनेजुएला बॉर्डर के पास कोलंबिया के राष्ट्रपति को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर हुई गोलाबारी, ये किसी राष्ट्रपति के विमान पर सीधा हमला किए जाने की पहली घटना है। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए महामंथन किया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार का दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में यूपी ने इतिहास रच दिया है। यूपी देश में 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। बता दें कि राज्य में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। अमेरिका के मियामी में एक इमारत के ढहने के बाद अभी तक इसके मलबे में दबे 159 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में मारे गए लोगों की याद में लोगों ने फूल चढ़ाए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उमर गौतम ने खुद को बताया पूर्व PM दिवंगत VP सिंह का रिश्तेदार, फर्जी दस्तावेज तैयार कर विदेश से भी फंडिंग। धर्मांतरण के इस खेल से UP ATS भी हैरान। UK में सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक नहीं दिखाए जाएंगे जंक फूड के एड। बच्चों में मोटापे को रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम। टोक्यो ओलंपिक में जा रहे खिलाड़ियों के लिए किरण रिजिजू ने की अपील, देश की जनता से कहा क्रिकेटर्स जैसे दे सम्मान। उम्र के हिसाब से चलो मैडम, शॉर्ट्स पहनकर दिग्गज लिरिसिस्ट गुलजार साहब से मिलने पर ट्रॉल हुई नीना गुप्ता। कैंसर से जूझ रही किरण खेर ने बेटे सिकंदर के वीडियो में चेहरा दिखाने से किया इनकार, बोली मैंने अभी लिपस्टिक नहीं लगाई है। एक्ट्रेस पायल रोहतगी गिरफ्तार, सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने का है आरोप। कंगना रनौत ने सिंगर किशोर कुमार से की खुद की तुलना, कहा सच्ची कला को हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है। पंकज त्रिपाठी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब पंकज की आवाज आप नशे से दूर रहने के लिए बनाए गए संदेशों में सुनेंगे। सलमान खान एक बार फिर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस बार सलमान खान ने सिने वर्कर्स के बैंक अकाउंट के खाते में पैसे जमा किए हैं। उन्होंने वर्कर्स के अकाउंट में 1500 रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN News। नमस्कार।